गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चल रहा है पढ़ाई? हाँ, लगे रहना है, फल की चिंता नहीं करना है, अपने मेहनत पे भरोसा करो, लगे रहना है, लगे रहना है। लेकिन लगे रहने का मतलब ये नहीं कि अपने हेल्थ को इग्नोर करके, हेल्थ भी मेंटेन करना है। अभी आपको लंबी लड़ाई करना है। ये 10 क्लास क्या है, एक गेट है, उसको पास करोगे अब उसके बाद आपका फ्यूचर दिखाई देगा। तो फ्यूचर तो अभी ऐसे गोल फिक्स करो कि हमको क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि IAS बनना है। लेकिन 10 क्लास भी जरूरी है, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा फर्स्ट लाइफ में होगा। तो थोड़ा सा इसका मार्स एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अच्छा मार्स आता है तो पॉजिटिविटी आता है, आपका पेरेंट बहुत खुश होता है, और उसके चलते क्या होता है, नहीं मेरा बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, इसलिए इसको अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह इसका एडमिशन, एक इन्वायरमेंट चेंज करवाता है। कम मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ता है, चलो इसको यहीं रख देते हैं, कहीं लिखवा देते हैं। तो इसलिए मार्क्स थोड़ा सा फैक्टर है बेटा, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये फर्स्ट लाइन में हमने आपको मेटल का क्लासिफिकेशन बताए थे, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम बताए थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन एलिमेंट्स आर मेटल और नॉन मेटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा तो उसके लिए आपको लेबोरेटरी लेके जाना पड़ेगा। तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप यूजुअल वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आज जो हम आपको बताएंगे तो उसमें सबसे पहले पढ़ो फिजिकल प्रॉपर्टी, पढ़ चुके हो, क्या पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। हालांकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको बता चुका हूं, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। और वहां एक चीज और हम चर्चा किए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर वो टर्म आवेगा, इसलिए उसको अगर जो बच्चा भूल गए हो तो प्लीज़ एक बार YouTube पर उस फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का देख लो। ये आपका थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का बेटा, शुरू करें। क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, स्लाइड अच्छा बन रहा है। हाँ बेटा, बहुत मेहनत किए हैं तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपका थंबनेल ये फर्स्ट पेज बनाने का, ये देखो, इसमें ज्यादा नहीं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, केमिकल फॉर्मूला आपको लिखने आता है, केमिकल इक्वेशन आपको लिखने आता है, तो आराम से हो जाएगा। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले थोड़ा सा जानो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ये देखो क्या कहता है, मेटल रिएक्ट विद द एयर। तो कोई भी चीज को अगर बर्न कराते हो तो बर्न के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखो, अगर मेटल को बर्न कराते हुए इन एयर तो क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन प्लस हीट, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे तुमको देख लो, आप तो पढ़ लिए, तो कौन सा मेटल है उसका ऑक्साइड, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। जिसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर ये सोडियम है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते तो कहते हो सर सोडियम ऑक्साइड बनेगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। द सोडियम ऑक्साइड का तो फॉर्मूला पढ़े हो, Na2O, ये हुआ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो ये चीज आपको लिखने आना चाहिए। अब इतना कर, ये क्या हो गया, एक ढांचा आपका तैयार हो गया इक्वेशन का। अब लास्ट क्या होता है, बैलेंस करना। बैलेंसिंग कैसे करते हो, भी हम टेक्निक आपको सिखाए हुए हैं कि देख लो दोनों तरफ कौन सा एलिमेंट ज्यादा अनबैलेंस है, तो सबसे पहले उसी को बैलेंस कर दो। और बैलेंस में कभी भी इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता, आप यहां यहां और ये कोई भी डिजिट से आप बैलेंस कर सकते हो, उसके फॉर्मूला में छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। दूसरा, हम ये रिपीट बता रहे हैं तुमको, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो मेटल जो होगा उसका सिंबल लिखाएगा, लेकिन नॉन मेटल जो होगा उसका सिंबल नहीं लिखाएगा, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। मेरी बात समझ, वो एलिमेंट फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन को सिर्फ ओ नहीं लिख सकते हो, जब भी लिखोगे O2, क्लोरीन को सिर्फ Cl नहीं लिख सकते हो, जब भी लिखोगे Cl2।
नाइट्रोजन को N नहीं लिख सकते हो, जब भी लिखोगे N2। तो हमेशा याद रखना, मेटल जब भी लिखाएगा तो एज यूजुअल जो एलिमेंटल फॉर्म सिंबल है वो, लेकिन नॉन मेटल एलिमेंट के रूप में नहीं होगा, जब भी होगा तो वो मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो यही कहता है, क्या कहता है देखो, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। जिसे यहां पर एग्जांपल दिए, देखो कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता है तो देखो कॉपर टू ऑक्साइड बनता है। यहां पर कॉपर की वैलेंसी क्या होता है, एक भी होता है दो भी होता है, तो एक को क्यूपरस कहा जाता है एक को क्यूपरी कहा जाता है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना, क्या होता है कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो एक देके भी स्टेबल होता है और दो देके भी स्टेबल होता है। इसीलिए कुछ एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है वो एक से अधिक होता है। जैसे आयरन का देखोगे दो भी होता है और तीन भी होता है, तो देखोगे लिखा रहेगा आयरन टू ऑक्साइड आयरन थ्री ऑक्साइड, तो एक को फेरस एक को क्या बोलते हो फेरस और एक बुला रहे हैं, याद आएगा तो बता देंगे खरेनी में। तो यहां पर देखो, यहां पर कॉपर जो है ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए यहां पर क्या लिखे हो कॉपर टू ऑक्साइड। उसी तरीके से देखो अल्मोनियम को रिएक्ट किया है ऑक्सीजन से, देखो अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर क्या होता है, हमने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द मेटल दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, लेकिन हर मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा अलग अलग होगा। पढ़े हो या पढ़ोगे आप, क्या होता है कि व्हेन द सोडियम एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, जैसे सोडियम को ओपन करोगे दे आर विग्रसली इजिली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, लेकिन जब वही मैग्नीशियम को आप ओपन करते हो एक्सपोज करते हो एयर में नहीं रिएक्ट करता है। रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कब, जब उसको आप हीट दोगे। तो यहां पर यही आता है, ऐसा क्यों हुआ, आप एक तरफ सर बोल रहे हो कि मोस्ट ऑफ द मेटल दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, हम बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट करेगा लेकिन रिएक्टिविटी क्या होगा अलग अलग होगा। थोड़ा सा समझो, हमने बोला कि सोडियम जो है विग्रसली रिएक्ट कर जाता है, जिसे ये सोडियम एलिमेंट है ये देखो, इस सोडियम को जैसे एयर में एक्सपोज करोगे तो ये इजिली रिएक्ट करके देखो ये सोडियम ऑक्साइड बना देता है। कैसे बैलेंस करोगे जल्दी बोलो, यहां पर देखो सोडियम दो है तो यहां तो टू लिखना पड़ेगा तब ये बैलेंस होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां पर आपको टू लिखना पड़ेगा तब सोडियम, तो लेकिन क्या हो गया देखो अब इसको हटा के यहां पर क्या लिख दोगे, अगर फोर लिख देते हो तो देखो बैलेंस हो गया। देखो ना दो दूना चार सोडियम, चार सोडियम वन मॉलिक्यूल, देखो दो ऑक्सीजन एटम तो दो हो गया ना आपका, ये देखो दो। अब यहां पर देखो क्या होता है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए दो, तो यहां पर ऑक्सीजन बोला भैया तोरे एक से तो नहीं काम चलेगा दो आओ, क्या होता है उस सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एयर में है, इसलिए इजिली रिएक्ट कर गया। देयरफॉर सोडियम ऑलवेज केप्ट अंडर द किरासन वायल, उसको जैसे ही एक्सपोज करोगे तो क्या होगा वो रिएक्ट कर जाता है, विग्रसली रिएक्ट कर जाता है। और यहां पे जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है फायर। मैग्नीशियम में देखो क्या होता है, अब इसको तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसको अगर एयर में एक्सपोज करोगे तो नहीं रिएक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उस दो, अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज करो एक जूल एनर्जी है तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो जूल चाहिए ना, यहां पर क्या था सोडियम में एक जूल एनर्जी उसको इजीली एयर में मिल गया एटमॉस्फेयर में इसलिए रिएक्ट कर गया, यहां नहीं मिल रहा इसलिए क्या करते हो इसको हीट देते हो तब जाके ये इलेक्ट्रॉन लूज करके तब वो क्या करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो देख रहे हो कि व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी दे रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझ रहे हो, यही रिएक्टिविटी होता है। जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगा वो हाई ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा, जिसका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो वो लेस
रिएक्टिव होगा। तो मेटल का जो रिएक्टिव हीट होता है हर मेटल का अलग अलग होता है। आया समझ में मेरी बात? अब देखो यहां पर क्या होता है, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होता है तो कहा जाता है दे आर बेसिक इन नेचर। ये चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द मेटल जो होता है ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्यों? जब इस मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या होता है, मेटल हाइड्रोऑक्साइड बना देता है। देयरफॉर ऑल द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो दोनों होता है, बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। जनरली पढ़ोगे आगे जब नॉन मेटल बताएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसे प्रूफ करोगे? तो व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोऑक्साइड। हाइड्रोऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। इसीलिए ऑल द मेटल ऑक्साइड इन बेसिक इन नेचर। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होता है दोनों शो करता है, दोनों बिहेव करता है, वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो वैसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलोगे? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट दो नंबर का क्वेश्चन, एम्फी या एम्फो जो भी बोलो, एम्फी जहां पे भी वर्ड लगा रहे हैं, जिसे एम्फीबिया पढ़ोगे बायोलॉजी में, तो ड्यूल कैरेक्टर होता है। एम्फी का मतलब ये होता है ड्यूल कैरेक्टर। ड्यूल कैरेक्टर का मतलब कि दो नाव पर पैर रखना। तो यहां पर ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब ये हो गया, दोज मेटल ऑक्साइड दे हैव बोथ बेसिक बिहेव लाइक ए बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी। तो देखो क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये याद भी करना है, अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यहाँ रिएक्शन दिया, देखो अल्मोनियम ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हो, देखो साल्ट और वाटर बनता है। वहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो, देखो ये सोडियम अल्मोनेट प्लस वाटर बनता है। तो ये दोनों बिहेव करता है, बेसिक भी नेचर होता है और एसिडिक भी नेचर होता है। क्लियर हुए? तो ये ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड आपको याद करना है, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट, लोगे लो जल्दी लो। ले लिया बेटा, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल, देखो यही सब करेक्टर सब याद करना है बेटा रे। क्या कहता है देखो, मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दोज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, ये आपको हम एसिड बेस साल्ट भी बताए थे, बेस को ही अल्कली कहा जाता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। लेकिन अल्कली वैसे बेस को बोलोगे जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो गया उसको क्या बोलोगे? अल्कली बोलोगे। और जो बेस नहीं वाटर में डिजॉल्व होता है तो उसको सिंपली क्या बोला जाता है? बेस। तो आप ये कह सकते हो ऑल द अल्कली आर बेस बट नॉट ऑल द बेस आर अल्कली, याद रहेगा। तो देख लो क्या कहता है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर, तो सिंपली उसको क्या बोलोगे? इनसोल्युबल, तो वो बेस कहलाएगा। कहता है कि बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द अल्कली। तो अल्कली का मतलब हो गया कि दोज बेस व्हिच डिजॉल्व इन द वाटर। और उसका एग्जांपल देखो, सोडियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड दिया हुआ है, देख लो यहां पर जैसे डिजॉल्व कराओगे देखो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोऑक्साइड। फार्मूला कैसे लिखोगे बता चुका हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में बच्चा को सबसे पहले हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला,
अगर आपको केमिकल फार्मूला आ रहा है तो 50% केमिस्ट्री सीख गए। ये देखो क्या कहता है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। अभी बताए थे सबका रिएक्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सब में क्या होता है, लूजिंग एबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है तो वो दो चीज पर डिपेंड करता है, उसी को यहां पर केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रिएक्टिव। जिसे झगड़ालू झगड़ा करते हो ना आप लोग, तो देखोगे बहुत सा बच्चा कैटेगरी बांटते हो, रे इससे मत बोलना, बड़ा झगड़ालू तुरंत रिएक्ट करता है। जिसे जनरली हम लोग ये कहा जाता है मोटा लड़का जो होता है, तो कहता है उसको कितनों गाली दो नहीं रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के हिसाब से चलोगे तो जो सपोज करो किसी को एक कुछ बोलते हो कि रे काहे बोले रे, तो केमिस्ट्री की भाषा मोर रिएक्टिव। किसी को दो गाली देते हो काहे गाली दिया रे, जैसी तीसरा है लेस रिएक्टिव। तो यहां भी यही होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी जो होता है तुम्हारा, देख लो थोड़ा सा जान लो, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और दूसरा होता है तुम्हारा ऑर्बिट नंबर, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। तो ये रिएक्टिविटी देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन कम लूज करना है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करना है तो रिएक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, कम होता है। और दूसरा क्या होता है, ये रिएक्टिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। ये चीज याद रखना बेटा, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर बढ़ाओगे रिएक्टिविटी भी क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझो, जैसे देख लो सोडियम 281, पोटासियम देखो 19 होता है, 2881। अब देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 ही लूज करना है एक एक, तो इसके आधार पे तो नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब यहां पर कहता है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि पोटासियम, तो देख लो पोटासियम में जो इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो कहां है, फोर्थ ऑर्बिट में। सोडियम में कहां है, थर्ड ऑर्बिट में। कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, पोटासियम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो कम ही एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा। उसी तरीके से लिथियम लोगे, 3 होता है एटॉमिक, तो लिथियम क्या होगा इस तीनों में से, लेस रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी जो होता है दो तरह से निकाल सकते हो, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ऑर्बिट नंबर। याद रहेगा बेटा, इस पर जवाब दे दो। अब देखो क्या कहता है, पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन एनवायरमेंट। बता चुका हूं क्या होता है, उस पोटासियम या सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए वो एटमोस्फियर में है, इसलिए विग्रसली वो रिएक्ट कर जाता है। इसलिए उसको हमेशा कहां रखता है, केप्ट रखता है किरासन वायर, अंडर केप्ट द अंडर द किरासन वायर। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई सोडियम एंड पोटासियम केप्ट अंडर द किरासन वायर, क्या जवाब दोगे, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव, दे इजिली रिएक्ट विद द एयर, और रिएक्शन ही नहीं करता है, क्या होता है, दे कैच फायर, आग भी। ये देखो फिर आता है मेटल रिएक्ट विद द वाटर। तो अभी पढ़े हो मेटल को वाटर से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो क्या करता है, मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड डेट आर सोलेबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। आया मेरी बात समझ में, होता क्या है कि अगर ध्यान से देखो, जनरली देखो क्या होता है, ये मेटल और वाटर, तो लास्ट जो होता है ये मेटल
हाइड्रो ऑक्साइड क्योंकि बेसिक इन नेचर है और प्लस हाइड्रोजन, ध्यान से रखो। लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड वही बनाएगा जो मेटल डिजोल्व होता है वाटर में, तो अल्कली, नहीं तो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाएगा, माने दोज मेटल व्हिच डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और वही मेटल ऑक्साइड जो डिजोल्व हो जाता है वाटर में क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये चीज याद रखना, यही चीज दिया, देखो मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एज द मेटल प्लेस्ड लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मेटल वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जैसे तुम्हारा कॉपर होता है, आयरन होता है, आगे देखोगे बताएंगे जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे। अब देखो क्या कहता है, पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर एंड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है, याद करना, देखो क्या होता है, जब पोटासियम और सोडियम को वाटर में देते हो तो क्या करता है, कोल्ड वाटर, यहां पर अब कैटेगरी बांटा है, वॉलेंटली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मेरी बात, मोर हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, कैच फायर करता है। देखो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो सोडियम को वाटर, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हीट एनर्जी, ये क्या है, यहां पर प्लस हीट एनर्जी का सिंबल का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहां पर कहता है कैल्शियम, देखो अब कहता है कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करते हो हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन ये लेस वायलेंट होता है। यहां पर लेस वायलेंट का मतलब क्या हो, ये कैच फायर नहीं करेगा, यहां पर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो कम होता है हीट एनर्जी, इसलिए हाइड्रोजन गैस कैच फायर नहीं करता है। अब देखो क्या कहता है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज दे बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म। क्या होता है, इसे देख लो, ये वाटर है, जैसे इसमें कैल्शियम मेटल डालोगे तो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाएगा तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, क्या होता है वो हाइड्रोजन गैस जो बनता है, जो रेस्ट कैल्शियम है उसके ऊपर स्टिक कर जाता है, और हाइड्रोजन हल्का होता है जिसके चलते वो क्या होता है, फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है ऊपर। ये याद रखना, देखो क्या कहता है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब देखो क्या कहता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा, जब भी करेगा तो हॉट वाटर परे हो, क्यों, फिर यहां पर रिएक्टिविटी आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी, तो कोल्ड वाटर में उतनी एनर्जी नहीं होता है कि उस वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो हॉट वाटर से, नॉट कोल्ड वाटर, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। और यहां भी क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगा स्टार्ट फ्लोटिंग, यहां भी हाइड्रोजन गैस का बबल बनेगा व्हिच स्टिक टू द मैग्नीशियम, तो जैसे ही वो हाइड्रोजन स्टिक माने सटेगा उस मेटल पे, हल्का होगा, ऊपर तैरने लगेगा तुम्हारा। अब देखो क्या कहता है, अल्मोनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद द स्टीम, नोट कोल्ड और हॉट वाटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अल्मोनियम परे हो, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, आयरन बहुत लेस रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो ये तुम्हारा न
कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, जब भी रिएक्ट करेगा तो स्टीम से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर रीज़न यही दिया जाता है क्योंकि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? समझ में आया मेरी बात? देख लो अल्मोनियम को वाटर से, देखो अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये देख लो। अब देखो क्या कहता है, लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, किसी भी कंडीशन में, ना वो कोल्ड वाटर से, ना हॉट वाटर से, ना स्टीम से रिएक्ट करेगा। जवाब क्या दोगे? ये लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या होता है? वेरी 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 लेस रिएक्टिव। ये तो देखो अर्थ क्रस्ट में आगे पर आएंगे, ये कॉपर सिल्वर क्या होता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट वेरी लेस रिएक्टिव होता है। अब उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दे रिक्वायर मोर 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 अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो कोई भी नॉन मेटल जो आएगा तो उतना एनर्जी होगा तभी ना वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो क्या कहता है, मेटल रिएक्ट विद द एसिड। देखो मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराओगे तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। कर लोगे? कर लो ना। कोई भी मेटल है जैसे सोडियम है, इसको HCl से रिएक्ट कराओ, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। देख लो साल्ट का मतलब क्या हो गया, कर लोगे? लो 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 लो, तुम लोग हम जल्दी कर देते हैं बेटा, ले लिया इसकी शॉट, आगे बढ़े। ये देखो क्या कहता है, वो क्या कहता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया। देखो अगर मेटल को नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। देख लो कहता है अगर मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। रीजन क्या दिया जाता है? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहां पर फिर हमसे ये नहीं पूछना सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। मान लो मेरे पास ज्यादा पैसा है, तुमको कम है, तो अब किसी के पास अगर कम पैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सबसे ले लेगा, और हमारे पास अगर ज्यादा है तो हम जो है ऐसी देते रहेंगे, जान पहचान होगा तब ना, तो वो लेने वाला हमको अपील करेगा ना टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइज कराएगा, और वो एक्सेप्ट करेगा तो टू रिड्यूस, तो उल्टा हो जाता है, एक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, एक हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही यहां पर ये जो क्या होता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या करता है हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज करा देता है, तो दैट हाइड्रोजन एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो या तो N2O बना देगा, या NO बना देगा, या NO2 बना देता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, आंसर तो यही होगा कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दे डज नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। व्हाई? मोस्टली मेटल क्या होता है, एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड है तो यही जवाब होंगे कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, तो उस हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करा के वाटर बना देता है। अब देखो मैग्नीशियम एंड मैग्नीस, देखो Mn रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2S गैस। देख लो यहां पर फिर थोड़ा सा कर दिया, एक्सेप्शन दिया है कि अगर मैग्नीशियम या मैग्नीस को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो ये याद कर लेना है तुमको। अब देखो एक आता है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एक्वारेगिया, ये क्या होता है, लैटिन वर्ड में इसको रॉयल वाटर कहा जाता है। देखो क्या होता है, मिक्सर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1 का, ये फ्रेश बनना चाहिए। देखो क्या होता है, हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट
दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम बट नॉट एलोन. अकेले नहीं वो गोल्ड प्लेटिनम को वो डिसॉल्व करा सकता है, लेकिन एक्वाग्रा में वो क्या होता है, डिसॉल्व करा देता है. तो मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ही तो अलग पर हो गए, ये समझे एक्वाराजिया का. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है, दोनों कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डायल्यूटेड नहीं होना चाहिए. क्लियर है? तो ये कुछ मेटल जो होता है तुम्हारा, तो वो एक्वाराजिया में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है अकेले, या आइदर नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो डिसॉल्व नहीं होता है. आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो कहता है, मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट. यहीं पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ी अच्छी तरह से हम पढ़ाए हैं बेटा, और इसी में आपका रिएक्टिविटी सीरीज आता है. यहां पे थोड़ा सा हम रिएक्टिविटी सीरीज का दिए हुए हैं. ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है. हाँ, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है. रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. ये क्या हो रहा है, ये रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसका. ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी घटते चला जाता. देखो पोटासियम सबसे ऊपर होता है, मोस्ट रिएक्टिव. अब देखो AU सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है. अब देखो सोडियम पोटासियम से कम होगा, उससे कम होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ZnFe. अब देखो ये हाइड्रोजन देख लो, तो कोई भी मेटल जो है हाइड्रोजन या एसिड से वही मेटल रिएक्ट करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, नीचे वाला नहीं होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा. इसीलिए देखोगे गोल्ड या सिल्वर का जो टेस्ट कुछ मिलावट है कि नहीं है, एसिड से किया जाता है. अगर उस पर एसिड डालेगा, अगर रिएक्शन शुरू हो गया इसमें, तो मतलब उसमें मिलावट है, नहीं रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन से वो लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन. तो यही है आपका रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये चीज इतना तुमको याद रखना है बेटा. फिर नीचे से ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, तो कोई भी मेटल है और मेटल साल्ट में, जैसे सपोज करो ये कॉपर है और मेटल साल्ट सपोज करो ZnSO4, तो ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो यहां क्या करेगा, ये कॉपर इस जिंक को हटा के अपने कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जिंक को क्या करेगा, भाग अलग हो जाओ. तो अब यहां पर देखना क्या है, कॉपर देखो यहां है, आज जिंक यहां देखो, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो क्या होगा, नो रिएक्शन, और ये आपके इंडेक्स में क्वेश्चन दिए हुआ बेटा, उसे ABCD करके उसको देख, देखो क्या कहता है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन ए सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म. इसी को क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिया देखो मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, देखो क्या बनेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी, मेटल को अलग कर दिया. ये तो वही कहानी हो गया ना, इसे हम लोगों के अथी में देखोगे, कभी कभी सुनते हो ना, दो बच्चे की मां अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया, यही चीज हो गया ना. क्यों भागा, जब ऑलरेडी दो बच्चा था, पति था उसको, अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ क्यों भागा, पति को अकेला कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ, कि उसके पति के कंपैरिजन में जिसके साथ भागा है वो मोर फैसिलिटी देता होगा. यहां भी होता है, किसी मेटल के साथ मान लो साल्ट बना लिया है, पति पत्नी के साथ रह रहा है, अब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल आवेगा, कहेगा भाग. जिसे कभी कभी हम लोगों के यहाँ देखो कि क्या होता है, आप किसी से कर्ज लिए हो, तो जिस आदमी से कर्ज लिए हो तो वो हमेशा आपको टोकता रहता है, ए पैसा कब देगा, पैसा कब देगा, तो आपको आत्मग्लानी होता है ना, हमेशा उसके नीचे रहते हो नज़र किए हुए. अब वहीं पे एक ऑप्शन तुमको मिला, उससे बेटर आदमी मिला जो टोकता नहीं है,
चार महीना पांच महीना के बाद दे दोगे तो कोई चीज नहीं, तुरंत उससे पैसा लेकर उसको देके उसके साथ आपने रिश्ता जोड़ लिया, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लो स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी लो बेटा, बोलो निधि क्या हाल है बेटा, समझ में आ रहा है? अरे तुम लोग न कमेंट करते हो, न लाइक करते हो, न सब्सक्रिप्शन बढ़ाते, मेरा मोटिवेशन कैसे होगा? थोड़ा बढ़ाओ। अब देखो यहां पर यही दिया है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो इंटेक्स यहां पर दे दिए हैं बेटा, ध्यान से देखो, ये इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 46, इस क्वेश्चन को बना लेना। अब देखो नॉन मेटल को अगर थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ना है, नॉन मेटल को अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल दिया है तो टू फॉर्म नॉन मेटोलिक ऑक्साइड, जिसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमेशा याद रखना ये जो कार्बन ऑक्साइड जो बना ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कभी कभी पूछता है माने को व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटोलिक ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड पर है वो बेसिक इन नेचर ही क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होता है। देखो इस वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनता है। इतने ज्यादा आपको नॉन मेटल के प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ना था, ये क्वेश्चन जरूर बनाना। पेज नंबर देखो, पेज नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर ये आपसे बन जाता है इसका मतलब तुमको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया। और जनरली रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा हम बैक जा रहे हैं बेटा, खैर एनी वे मेनली देखोगे चार मेटल को ही तुमको ज्यादा पढ़ना है। देखो क्या क्या है, आयरन, अल्मोनियम, जिंक एंड कॉपर, इसी चार का साल्ट भी आपको पढ़ना है, जिसमें से जिंक सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, ठीक है, आयरन सल्फेट का कलर जो होता है पेल येलो कलर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना कलर के आधार पे पूछता है, तो उससे आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब कैसे देख लो क्या पूछता है, मान लो कोई कंटेनर है, दे हैव सम सॉल्यूशन, और उसका सपोज करो कहता है कलर ब्लू है, ए जिंक रॉड इज डिप्ड, आफ्टर सम टाइम द कलर बिकम फेडेड, तो राइट द रिएक्शन। तो क्या हुआ, तो जिंक को जब डाले तो सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था, तो जिंक क्या होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट क्या होगा कलरलेस होगा, तो कलर क्या हो गया फेड हो गया, पहले तो था कॉपर सल्फेट का तो ब्लू कलर था, अब जिंक सल्फेट बना कॉपर को अलग कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका, तो कलर में अगर लोगे तो कलर हमेशा याद रखना। देख लो जैसे ये Al2SO4 का क्या हो जाएगा 3, और ये ZnSO4 ये क्या होता है कलरलेस, और क्या बोले तुमको, हाँ ये FeSO4 और CuSO4, ये देखो ये होगा पेल येलो कलर, और ये तो सवाल ही पड़े हो क्या होता है, बस इतनी याद रखना बेटा। और ये इसका जो रिएक्टिविटी देख लो, इसमें जैसे आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम, जिंक, इसमें कौन मोर रिएक्टिव होगा, इसी चार मेटल से ही उलट पुलट के क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको रिएक्टिविटी अरेंज करने के लिए दे देगा कि कौन उसमें मोर रिएक्टिव, इसमें क्या होगा तुम्हारा, कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा ना, कर लोगे? तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना था।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है, ऑकरेंस ऑफ मेटल पढ़ोगे, उसी में एक्सट्रैक्शन हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाय।